हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीएस क्रक्स में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इंडियन आर्ट एंड कल्चर के बारे में। जीएस क्रक्स ये यूट्यूब चैनल है जिसपे जो है आपको वीडियोस मिलती रहेंगे। हम गूगल मीट पे भी क्लासेस लेते हैं, हमसे जो है बच्चे जुड़े हुए हैं जो कि क्लासेस करते हैं। आप भी यदि गूगल मीट पर क्लासेस करना चाहते हैं तो वहाँ जो है अपने बारे में कमेंट सेक्शन में बताकर हमें और उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। इंडियन आर्ट एंड कल्चर को हम करने वाले हैं इस पीडीएफ से, जो कि नितिन सिंघानिया सर की जो है एक नोट्स है, इससे जो है हम इसको जो है करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आर्ट एंड कल्चर में जो है हम क्या देखने वाले हैं, कैसे देखने वाले हैं चीज़ों को। तो आर्ट एंड कल्चर को हमने तीन पार्ट में डिवाइड कर रखा है, विजुअल आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट और मिसलिनियस आर्ट्स एंड कल्चर टॉपिक्स। विजुअल आर्ट्स में हम इंडियन आर्किटेक्चर को देखेंगे, इंडियन स्कल्पचर्स देखेंगे, इसके बाद इंडियन पोट्री देखेंगे, इंडियन पेंटिंग देखेंगे। परफॉर्मिंग आर्ट्स में म्यूजिक्स देखेंगे, डांस देखेंगे, फिर इंडियन थिएटर देखेंगे, इंडियन पपेट्री और इंडियन सर्कस के बारे में देखेंगे। मिसलिनियस कुछ आर्ट एंड कल्चर टॉपिक्स हैं, जैसे कि इंडियन सिनेमा है, लैंग्वेजेज हैं इंडिया में, फिर जो है रिलीजन्स इंडिया में क्या कौन कौन सी है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। इसके बाद इंडियन लिटरेचर के बारे में समझेंगे हम, स्कूल्स देखेंगे, फिलॉसफी कौन कौन सी है, अलग अलग स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी क्या क्या है, इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स को हम समझेंगे। इसके बाद इंडियन कैलेंडर देखेंगे, कितने सारे कैलेंडर जो है लॉन्च हुए थे, उनका क्या यूज है, कैसे जो है हम आज के परिप्रेक्ष्य में जो है उसका डेट हम निकाल सकते हैं, कौन सा ईयर चल रहा है, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे बारी बारी से, किसने जो है किसको डिफीट करके क्यों कैलेंडर कब लॉन्च किया था। फिर फेयर्स एंड फेस्टिवल के बारे में देखेंगे, जो मेले लगते हैं, फेयर्स और फेस्टिवल जो होते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। फिर कल्चरल एस्पेक्ट में जो है मेडिसिंस, मैथ, एस्ट्रोनॉमी, कॉइनेज सिस्टम, वेट और मेजर्स के बारे में देखेंगे। फिर अवार्ड्स के बारे में हम लोग देखने वाले हैं इसके बाद, अवार्ड्स, अवार्ड के बाद जो है कुछ इंस्टीट्यूशन होंगे, कल्चरल इंस्टीट्यूशंस, उसके बारे में देखेंगे और कुछ स्टोलन आर्ट्स और आर्टिफैक्ट जो है उनके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो बारी बारी से हम लोग इसको देखेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं इंडियन आर्किटेक्चर को। इंडियन आर्किटेक्चर में हम लोग इसको तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे, एंशिएंट इंडियन आर्किटेक्चर, मेडिवल इंडियन और मॉडर्न इंडियन। जो एंशिएंट इंडियन होगा उसमें जो है हरप्पन आर्ट आएगा 2500 से 1800 बीसी तक का, और मौर्यन आर्ट आएगा अराउंड 300 बीसी तक का, और पोस्ट मौर्यन आएगा 300 बीसी के बाद वाला जो है एरा जो है शुरू होगा वो पोस्ट मौर्यन हो जाएगा। गुप्ता आ जाएगा जो कि 319 एडी से 6 सेंचुरी तक होगा। फिर इसके जो साउथ में, साउथ इंडिया में जो आर्किटेक्चर डेवलप हो रहा है इस टाइम पे उसको हम समझेंगे। इसके बाद जो है मेडिवल इंडिया में दिल्ली सल्तनत को देखेंगे, मुगल्स को देखेंगे। दिल्ली सल्तनत में 1206 से 1526 तक जो इंपीरियल स्टाइल और प्रोविंशियल स्टाइल डेवलप हुआ उसके बारे में देखेंगे। इंपीरियल स्टाइल में हम देखेंगे कि जो एम्पायर है वो डेवलप कर क्या क्या चीज़ें किया हुआ है, एम्पायर जो हमारा है वो क्या क्या चीज़ों को डेवलप किया हुआ है। जैसे कि इसमें देखें तो स्लेव डायनेस्टी है 1206 से 1290 तक, खलजी है 1290 से 1320 तक, तुगलक हैं, फिर लोदी हैं। ये डायनेस्टी जो हैं हम बारी बारी से देखने वाले हैं दिल्ली सल्तनत में। प्रोविंशियल स्टाइल्स देखें तो अदर देन एम्पायर, जो कि एम्पायर न वो करें, जो जो भी वहाँ के लोग हैं, लोकल पीपल ने इसको डेवलप करें, तो इसमें जो है जौनपुर वाला देखेंगे, मालवा देखेंगे, बीजापुर, ये कुछ प्रोविंशियल स्टाइल में जो है ये आर्किटेक्चर्स हम इसमें देखने वाले हैं। मुगल्स जो है 1526 से जो है 18 सेंचुरी तक लगभग हम लोग देखेंगे इसको मुगल्स में। बाबर के आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स देखेंगे, कल्चर्स देखेंगे, हुमायूं, अकबर, शाहजहाँ, औरंगजेब के बारे में हम इसमें देखने वाले हैं। फिर मॉडर्न इंडिया में जो है इंडियन गोथिक स्टाइल को हम देखने वाले हैं, नियो रोमन स्टाइल को देखने वाले हैं। तो इंडियन आर्किटेक्चर को इस तरह से हम लोग जो है क्लासिफाई करने वाले हैं। तो बारी बारी से हम इसको समझेंगे। ये बस एक इंट्रोडक्शन हमने दिया कि किस तरह जो है हम इसको करने वाले हैं नितिन सिंघानिया के इस पीडीएफ को, और जो है अगली जो है आपको वीडियो मिलेगी जिसमें जो है हम चीज़ों को बताएंगे कि कैसे जो है आगे हम शुरू कर गए हरप्पन आर्ट, हरप्पन कल्चर से, और धीरे धीरे जो है बढ़ते जाएंगे और उसको देखेंगे कि कैसे जो है ये आर्ट और आर्किटेक्चर कल्चर हमारा जो है ये बदलते जा रहा है। तो इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। ये बस इंट्रोडक्शन वीडियो था, आपको इस तरह से जो है हम लोग टॉपिक्स करने वाले हैं, बस ये मुझे बताना था इस वीडियो में। ओके, थैंक यू।